أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اے ایمان والو, مرد दूसरे मर्दों का मजाक ना उड़ाए। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये दूसरी औरतें उनसे बेहतर हों। एक दूसरे को ऐब ना लगाओ और बुरे अलकाब ना दो। ईमान के बाद फिस्क बुरा नाम है, और जो तौबा ना करे वही लोग जालिम हैं। सूरतुल हुजरात की 11 नंबर की आयत करीमा पढ़ी गई। इससे पहले की 2 आयत में अल्लाह ताला ने ईमानी अखुव्वत और भाईचारगी का एक बड़ा तकादा बयान फरमाया था। वो तकादा ये था कि मुसलमानों की 2 जमातें आपस में लड़ जाए तो दूसरे मुसलमानों को ये चाहिए कि उनके दरमियान सुलह करवाएं। ताइफा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। उलमा ने लिखा कि ताइफा का इतलाक एक फर्द पर भी हो सकता है, तो 2 लोग भी आपस में लड़े तो ये काम करना है, और जमात की शक्ल में हो जब भी ये काम करना है। तो ये ईमान का तकादा है, अखुव्वत का तकादा, जिसकी बुनियाद ईमान है। यहाँ एक बात ये भी वजाहत के काबिल है कि कुरान करीम ने जो उसलूब इख्तियार किया है, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनसे ये बात मालूम होती है कि आपस में लड़ने के बावजूद, कताल के बावजूद ईमानी अखुव्वत का यह रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता। मतलब ये कि एक आदमी अगर मुसलमान के खिलाफ लड़ता है तो वो दायरे इस्लाम से निकल जाए, ऐसी बात नहीं है। बाज़ अहादीस में लड़ने को कुफ्र से ताबीर किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क़ितालुल सिबाबुल मुस्लिम फुसूक़ुन व क़ितालुल कुफ्र, मुसलमान को गाली देना फिस्क है और मुसलमान से लड़ना ये कुफ्र है। इसी तरह एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तरजिउ बादी कुफ्फारा यदरिबु बादुकुम रिकाब बाद, कि मेरे बाद कुफ्फार ना बन जाओ कि आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। तो कुफ्र और कुफ्फार के अल्फाज इस्तेमाल किए गए लड़ने के लिए और लड़ने वालों के लिए, लेकिन यहाँ जो कुफ्र है वो कुफ्र असगर है, यानी वो कुफ्र जिससे आदमी मिल्लत से निकलता नहीं है। और कुफ्र के का लफ्ज़ इस्तेमाल करके ये पैगाम देना है कि ये जो लड़ने भिड़ने का काम है ये मुसलमानों का काम नहीं, ईमान वालों का काम नहीं है, ये काफिरों का तरीक़ा है। ईमान वालों का काम क्या है? लड़ना नहीं है, जुड़ना है और जोड़ना है। तो यहाँ भी जो आयत, पिछली 2 आयतें हैं उनमें लड़ने के बावजूद क्या कहा, इन ताइफतान मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से दो जमात लड़े, है ना। तो लड़ने के बाद भी मोमिन, और फिर इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन आपस में भाई है। और फिर कहा के फसलहु बैना अखवैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा। तो जो लड़ने वाले हैं वो भी क्या हैं, भाई हैं। अब इसकी वजाहत की क्या जरूरत है। तो मुनहरिफ अफकार, गलत किस्म के अफकार जन्म लिए। सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन के दरमियान लड़ाइयों के बाद तो खवारिज का फिरका पैदा हुआ कि जिसने ये नजरिया पेश किया कि जो लोग लड़ेंगे वो मुसलमान नहीं रह जाएंगे, काफिर हैं। और फिर मुअतज़िला का तबका पैदा हुआ कि जिसने कहा कि काफिर तो नहीं लेकिन मोमिन भी नहीं, यानी कुफ्र और ईमान के दरमियान है वो। तो मंज़िलतुन बैनल मंज़िलतैन, दो दर्जों के दरमियान का एक दर्जा है। लेकिन दोनों फिरके इस बात पर मुत्तफिक हैं कि लड़ने वाला, या दूसरे लफ्जों में कहेंगे कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करने वाला, दायमी तौर पर जहन्नमी है। कुरान क्या कह रहा, मोमिन है, भाई है। तो जब भाई है तो फिर जहन्नमी नहीं होंगे। यही बात सूरह बकरा में भी कही गई है, फमन उफ़िय लहु मिन अख़ीहि शय्युन फत्तिबाउन बिल मारूफ, तो जिसको उसके भाई की तरफ से मुआफी दे दी जाए थोड़ी बहुत किसी चीज की। तो किसको भाई कहा जा रहा और किसका भाई कहा जा रहा। तो कातिल की तरफ इजाफत है कि कातिल को उसके भाई की तरफ। तो कत्ल करने वाला कौन है, मुजरिम है ना, कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, लेकिन फिर भी उसको भाई कह रहे हैं। और ये खूनी रिश्ते की बुनियाद पर भाई तो नहीं है, ईमानी रिश्ते की बुनियाद पर भाई है। तो भाई ही रहता है, कबाइर का इर्तिकाब करने वाला काफिर नहीं हो जाता। ये उसूली बात हमको समझना चाहिए। तो एक तकादा है ये अखुव्वत का कि आपस में जोड़ो, अगर अलग हो जाए, लड़ने भिड़ने पर आमादा हो तो उनको लड़ने और भिड़ने से बाज रखो। यहाँ जो आयत करीमा मैंने अभी पढ़ी है उसमें बाज ऐसी चीजों का जिक्र है कि जिनसे ईमानी अखुव्वत को नुकसान पहुंचता है। और ये अखुव्वत व भाईचारगी नफरत, दूरी और दुश्मनी में बदल जाती है। अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों। तो ईमान वालों से खिताब है और ईमान के तकाज़े के तौर पर खिताब है। अला यस्खर कौम मिन कौम, कोई कौम किसी कौम से ठट्टा ना करे, उसका मजाक ना उड़ाए। तो ये जो यस्खर का लफ्ज़ है ना, सुखर, सुखरिया वगैरह, ऐसे मजाक को कहते कि जिससे सामने वाले की दिल आजारी हो, दिली तौर पर उसको तकलीफ पहुंचे। मजाक के दूसरे अल्फाज भी अरबी में, तो मिजाह एक मजाक है कि जिससे सामने वाले को के दिल को खुशी होती है, यानी ऐसी बात कही जाए कि आदमी हंसने पर मजबूर हो लेकिन दिल दुखने की कोई बात ना सामने आए। तो ये मजा है, दिल दुखाने वाली बात ना करो, ला यसखर। तो अब ये जो मजाक की बात है ये कब होती है, कब? तो ये उस वक्त होती है कि जब मजाक उड़ाने वाला ये समझता है कि सामने वाले के मुकाबले में मैं बेहतर, तो खुद को बरतर समझना ये तकब्बुर है, और सामने वाले को बदतर समझिए, कमतर समझना ये तकब्बुर है, उसकी तहकीर है। जाहिर सी बात है कि कौन बरतर है और कौन बेहतर है उसका हकीकी तौर पर पता किसको है, तो अल्लाह को। ये तो दिल की बुनियाद पर, तकवे की बुनियाद पर, ताकि ऐसा यकून खैरम मिनहु, जिनका मजाक उड़ाया जा रहा ना वो बेहतर हो, ऐ नामुमकिन है। तो अंदर के एतबार से बेहतर हो, जाहिरी का एतबार तो नहीं है असल में। और फिर यह कि खातिमा पर एतबार होता, खात्मे का। अभी आदमी बुरा है लेकिन इस बात पर उसका खात्मा हो क्या मालूम है। तो जो पोजीशन उसकी है ऐन मुमकिन है कि वो पोजीशन इधर मुंतकिल हो जाए, तो इसलिए मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब जब मजाक उड़ाएंगे, दिल आजारी करेंगे, तो फिर क्या होगा, दोस्ती तो नहीं होगी, दुश्मनी के ही रास्ते पैदा होंगे, दुश्मनी के। तो सामने वाला इस मौके की तलाश में रहेगा कि इसने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है ना, तो मैं भी मौका मिलेगा तो इसको रगड़ूंगा और इसको नीचा दिखाऊंगा। और फिर दिल में ये ख्याल पाले हुए उससे नफरत के और दुश्मनी के जज्बात रखेगा, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए ताकि दुश्मन न बने, दुश्मनी के जज्बात ना पनपे। और का कौम बिन कौम, कौम बिन कौम, कौम कौम का मजाक ना उड़ाए। तो दो बातें बातों को सदी ने लिख के कौम का लफ्ज इस्तेमाल किया मर्दों के लिए और अलग से का निसा, तो कौम मर्दों ही को कहा जाएगा, इसलिए कि अवाम सीधा करने सीधा रखने वगैरह की जो जिम्मेदारी है ना वो किसकी है, तो इस्लाम ने ये जिम्मेदारी मर्दों को दी है। औरत अवाम नहीं है, निगरान नहीं है ये। और दूसरी बात है कि कौम कौम का मजाक ना उड़ाए, ये नहीं कहा कि कोई आदमी या मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए, क्यों है ये, तो इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि अमूमी तौर पर मजाक उड़ाने का जो मामला होता है ना वो मजलिस में, इज्तिमा में, लोगों के दरमियान ये बात पेश आती है, वरना अकेले भी मजाक कौन किसका उड़ाता है। और मजाक उड़ाने का फायदा भी क्या, मजा ही नहीं। तो कहा कि कौम कौम है, लोगों के सामने मजाक ना उड़ाया जाए। तीसरी बात इस सिलसिले में यह है कि कौम कौम का मजाक ना उड़ाए, तो मतलब ये नहीं है कि एक पूरी जमात एक तरफ है और दूसरी तरफ भी एक जमात है कि ये जमात दूसरी जमात का मजाक उड़ा रही है तो इससे मना किया जा रहा है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि एक फर्द भी का भी मजाक नहीं उड़ाना है ना। तो कौम का लफ्ज इसकी इस्तेमाल किया कि वो तो हमारे सामने है, ऐसा नहीं है कि एक फर्द का मजाक उड़ाया जाए किसी का तो चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो कहा कि नहीं उड़ाना। और फिर आगे का औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, तो ये क्यों है, ये क्यों है अलग से औरतों का जिक्र। मुफस्सिरीन कहते हैं कि औरतों को अलग से जिक्र किया गया बतौर खास, हालांकि आम जो अंदाज है कुरान करीम का वो क्या है कि जब किसी हुक्म के सिलसिले में वो खिताब करता है ना तो असल मुखातब उसके कौन होते हैं, मर्द होते, मर्दों को मुखातब करता है वो, लेकिन यहाँ औरतों के का जिक्र अलग से किया गया है। तो पैगाम इस बात का है कि ये जो बीमारी है ना मजाक उड़ाने की बीमारी, ये यहां ज्यादा पाई जाती है, ये आम बात है और जानी पहचानी बात है कि जहां भी बैठ जाए दो चार दो तो किसी तीसरी का जिक्र या सामने वाली का जिक्र, इसका ये देखो और उसका वो देखो चलता है। तो कहा कि औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाए, ना उड़ाए। अब एक सवाल है और इस सवाल का जवाब देने के बाद इंशाअल्लाह बात खत्म होगी कि क्या मर्द औरतों का मजाक उड़ा सकते हैं और औरतें मर्दों का मजाक उड़ा सकती है। अब यह सवाल क्यों पैदा हो रहा, तो यह सवाल इसलिए पैदा हो रहा कि कहा कि मर्द मर्द का मजाक ना उड़ाए और औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाए, अलग अलग कहा ना। तो क्या मर्द औरतों का और औरतें मर्द का मजाक उड़ा सकती हैं, सवाल। तो इसका जवाब उलमा ने यह दिया कि ये जो गुफ्तगू है ना वो मुसलमानों के लिए, अहले ईमान के लिए, खिताब मुसलमानों से है और इस्लामी मुआशरे में ये तसव्वुर नापेद है, कतअन मौजूद नहीं है कि मर्द और औरतों का इख्तिलात हो और ऐसी मजलिस भी सजे कि जिसमें औरतें भी हों और मर्द। तो ये तस्वूर हमारे यहाँ जागुजी था, जनान खाना और क्या है खवातीन का, मर्दों का तो दीवान खाना अलग अलग होता था ना, ये इसी तस्वूर की पैदावार है। अब ये मगरबी तहजीब के जेर अतर ये जो मुसलमानों का कहिए कि सरमाया जीनत है वो जीनत उनसे छीन जा रही, छीन। तो ऐसी मजलिस का तस्वुर नहीं है कि सब मिलजुल के हों, इख्तिलात हो और फिर मर्दों को यह मौका मिल रहा है कि वो औरतों का मजाक उड़ाएं और औरतों को यह मौका मिल रहा है कि वो मर्दों का मजाक उड़ाए, ऐसा है ही नहीं। तो जब ऐसा है ही नहीं तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं है। तो असल जो पैगाम देना के अलग अलग है, इनका इज्तिमा नहीं होना चाहिए। कहा आसा अन यकूनु खैरम मिनहुम व आसा अन यकुन खैरम मिनहुम, मजाक ना उड़ाओ, है ना मुमकिन है कि जिनका मजाक उड़ाना हो वो बेहतर हो, मर्द हो या औरत। तो ये पहली बात है। बाकी दो बातें क्या है, तो कहा कि ऐब ना लगाओ, ऐब। तीसरी बात कही बुरे अलकाब ना दो। तो ऐब लगाना और बुरे अलकाब देना क्या है, इंशाअल्लाह कल हमारी इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ की बातों को समझने इस काम लेने की तौफीक मत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।